सोच में मैं गुम, अल्फाज क्यों ना सीती हूँ। सोच में मैं गुम, अल्फाज क्यों ना सीती हूँ। कलम क्यों ना चलती, जिंदा लाश सी क्यों जीती हूँ। प्यासा कागज़ का टुकड़ा शब्द शब्द को तरस रहा। प्यासा कागज़ का टुकड़ा शब्द शब्द को तरस रहा। भीगे पलकें बेहाल पर जज्बात ना बरस रहा। बरस रहा ये ऐसा जिसमें खुशियाँ बेपनाह मिली। बरस रहा ये ऐसा जिसमें खुशियाँ बेपनाह मिली। वही रात वही मैं बस उन पंक्तियों से ना मिली। याद आते हैं वो लम्हे जब किस्से शब्दों में पिरोती थी। मुझे याद आते हैं वो लम्हे जब किस्से शब्दों में पिरोती थी। ना थी अश्कों की मोहताज में अल्फाजों से जो रोती थी। रोती थी कलम मेरी पोथी को पीढ़ा सताती थी। रोती थी कलम मेरी पोथी को पीढ़ा सताती थी। जब सामाजिक व्यथा जीवन की कथा स्याही सबको बतलाती थी। जीवन खंडर मेरा मन बंजर और दिल खंजर सा लगता है। जीवन खंडर मेरा मन बंजर और दिल खंजर सा लगता है। जब लिख ना सकूं जो सबसे छुपा दिल उस मंजर से डरता है। दिल उस मंजर से आज दिव्यता एक अनकही सी बात बताने आई है। आज दिव्यता एक अनकही सी बात बताने आई है। ये सांस नहीं अल्फाज बिना ये याद कराने आई है। कि किताब की तरह मैं पढ़ रही थी तुमको। किताब की तरह मैं पढ़ रही थी तुमको। तुम्हें लगा मैं समझी किस्सा तुमको। जब गलत फहमियों में उलझे थे तुम तब हर दूसरे को बता रही थी मैं अपना हिस्सा तुमको। तुम्हें लगता है तुम दूर जा सकते हो मुझसे कुछ शिकवों को लेकर। तुम्हें लगता है कि तुम दूर जा सकते हो मुझसे कुछ शिकवों को लेकर। मैं तुम्हारा नाम अपने जिस्म पर गुदवाने के ख्वाब देखती हूँ। तुम मेरे आज पर सवाल कर बैठे हो मैं ताउम्र तुम्हें अपने साथ देखती हूँ। तुम्हें मेरा आज छलावा लगता है मैं तुम्हारे कल में भी खुद को तुम्हारा खास देखती हूँ। क्या तुम ज़्यादा सच देखते हो या शायद मैं ज़्यादा ख्वाब देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा जब नई नई मोहब्बत होती है नया नया इश्क होता है तो कुछ कुछ तो अलग अलग होता है। सब समझ जाते हैं कि हाँ कुछ तो हो रहा है। तो मैंने कुछ लिखा था कि इश्क हुआ है तब समझी। इश्क हुआ है तब समझी जब चोरी से तुम्हें तकने लगी। इश्क हुआ है तब समझी जब चोरी से तुम्हें तकने लगी। इश्क रहेगा तब समझी जब हर दुआ में तुम्हें जपने लगी। चाहने लगे हो मुझे तुम चाहने लगे हो मुझे तब समझी जब मेरी सोच को तुम अपनाने लगे। चाहोगे मुझे ये तब समझी जब मेरी गलतियों पे समझाने लगे। शुक्रिया। मोहब्बत होती है ना तो एक डर भी आता है साथ में। तो उस डर को मैं कुछ इस तरीके से शब्दों में पुरो कर लाई हूँ। डर लगता है, डर लगता है कि किसी रोज़ तुम मुझे सोता छोड़ जाओगे। मैं तुम्हारी मोहब्बत लिखने बैठूंगी और तुम मुझे रोता छोड़ जाओगे। हमारे इश्क की मिसालें लोग देते नहीं थकेंगे। हमारे इश्क की मिसालें ये लोग देते नहीं थकेंगे और तुम उस इश्क को कहीं खोता छोड़ जाओगे। मुड़ मुड़ कर तकती रहूँगी रहा तुम्हारे इंतज़ार में। मैं मुड़ मुड़ कर तकती रहूँगी ये रहा तुम्हारे इंतज़ार में। तुम खैरात में शायद एक बोसा छोड़ जाओ। शुक्रिया शुक्रिया। अब ये जो कविता है ना ये मेरी आज की अंतिम रचना है और ये मैंने कल रात को ही लिखी है। तो इसमें मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ कि मेरा मेरी कलम से क्या रिश्ता है। मेरा कलम से क्या रिश्ता है।
मैं नहीं जानती, पर वो मेरा हर जज्बात जानती है। मेरे हर अश्क की वजह, मेरा हर हसीन राज जानती है। मेरी हर चमकती मुस्कान का पता, मेरी हर चमकती मुस्कान का पता वो मेरी हर काली रात जानती है। उसे पता है कौन सी गज़ल मुझे रुला देती है, उसे पता है कौन सी गज़ल मुझे रुला देती है। जो मुझे लुभाता है वो सांस जानती है, वो सुनती है मुझे। यहाँ से थोड़ा गौर करवाइएगा कि वो सुनती है मुझे, उसे सिर्फ अपने किस्से बुनना नहीं आता। वो सराहती है मेरे हर अच्छे शेर को, उसे सिर्फ वाह वाह सुनना नहीं आता। उसे कद्र है मेरी कला की, उसे कद्र है मेरी कला की, वो मेरे पास सिर्फ कद्र करवाने नहीं आती। वो सिखाती है मुझे थोड़ी दुनियादारी भी, ये दुनिया मतलब से आती है, बेवजह हंसाने नहीं आती। शुक्रिया।